क्या हाल चाल है बाबू लोग? बढ़िया है। यस सर। घर पे मन लगा के पढ़ते हैं? यस सर। देखिए, आज सुबह का क्लास जब चल रहा था तो प्रत्येक दिन की भांति आज भी क्लास में मज़े से पढ़ाई हो रही थी। ठीक, छुट्टी होने के बाद पता चला कि एक लड़के की साइकिल नहीं है। पीछे सीसीटीवी कैमरा का फुटेज दिख रहा है आपको स्क्रीन पे। साइकिल नहीं है। आप सभी लोग साइकिल में ताला लगाए हो? यस सर। चोरों से सावधान रहना है। चोरों से सावधान रहना है। थोड़ा सा आप सीसीटीवी कैमरा का फुटेज देखेंगे और फुटेज देखने के बाद पता करेंगे मार्केट में कि ये कौन चोर लोग हैं। पता करने पर पता चला कि 3-4 गैंग हैं जो साइकिल चुराता है कोचिंग संस्थानों से, स्कूलों से, और आम बच्चे और गरीब बच्चों को परेशान करता है। वैसे बच्चे जो फी नहीं दे सकते हैं, जैसे कल मैंने चर्चा किया था ना फी के मैटर पे किसी लड़की के बारे में, तो वैसे बच्चे जो फी देने में असमर्थ हैं, इन चोरों के अंदर तनिक भी दया नाम की चीज़ नहीं है। ये हैवान है, इंसानियत है ही नहीं। जब इंसानियत नहीं है तो संस्कार नहीं होंगे, कुछ भी नहीं होगा। बच्चा बड़ा परेशान रहा। थोड़ा सा आपको पता करना है, आप सीसीटीवी फुटेज देख लेंगे। ठीक है, अभी कैमरा फुटेज रुका हुआ है, वीडियो पॉज है, हम वीडियो ऑन करते हैं और देखिए सबसे बड़ी चीज़ क्या है। वीडियो को ऑन कर देते हैं भाई। देखिए वीडियो ऑन है। यहाँ से कोई बंदा आ रहा है, इधर साइड से देखिए टहल रहा, और वही बंदा काफ़ी देर से मतलब कैमरा में फुटेज में कई बार टहला हुआ है और वही आ रहा है, इधर वही इधर आ रहा है। आप ध्यान से देखेंगे, उधर गया फिर वापस आएगा, फिर आ रहा है। टाइमिंग क्या हो रही है? सुबह के 8:21, 8:21 हो रहा है टाइमिंग। अभी नहीं आ रहा है, अभी फिर थोड़ी देर बाद आएगा। देखिए अब आ रहा और घूम के उधर से आ रहा। मैं आपको जूमिंग करके भी दिखा देता हूँ। ऐसे चोर लोग कैसे काम चलेगा? जब ऐसे लोग समाज में रहेंगे दिखाई दे रहा। देखिए कैसे साइकिल लेके जा रहा है, देखिए, देख रहे हैं ना? थोड़ा सा भी समझ में नहीं आया इसको। देखिए ये बंदा आ रहा, फिर दोबारा कैमरा रिव्यू किया गया है और ये आ रहा है। आने के बाद यहाँ से हाथ सर अपने चेहरे पे थोड़ा सा हाथ रखा हुआ है और आप देख सकते हैं यहाँ ये बंदा, या देखिए कैसे साइकिल लेके जा रहा है। लग रहा है जैसे इसका है, उठाया बैठा और लेके जाने लगा। देख रहे हैं ना, इधर से लेके निकल गया। तो ऐसे चोरों से आपको सतर्क रहना है भाई। थोड़ा सा आप वीडियो को देखेंगे और ऐसे चोरों का पता लगाएंगे। काफ़ी बच्चे परेशान हैं, बहुत सारे हम सभी शिक्षक लोगों ने मिलकर इस पर गहन अध्ययन किया, लेकिन चोरों के गिरोह का पता नहीं चल रहा। इसलिए नहीं पता चल रहा है कि ये कहीं ना कहीं चोर जहाँ से साइकिल उठा रहे हैं उसके अगल बगल के लोग से मिले हुए हैं। प्रशासन के पास एप्लीकेशन दो तो उधर से कोई सुनवाई नहीं होती है। पॉज कर दीजिए, आप वीडियो पॉज कर दीजिए। ठीक है, प्रशासन के पास एप्लीकेशन दो तो कोई सुनवाई नहीं होती है। अब क्या कर सकते हैं हम लोग? कोई ऐसा हम लोग काम नहीं कर सकते हैं जो अमानवीय हो। ठीक है, अमानवीय हो, ऐसा कोई काम हम लोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है,
ऐसा कोई भी काम नहीं किया जा सकता जो अमानवीय हो। रोड जाम नहीं कर सकते हैं, चक्का जाम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग शिक्षक हैं, बच्चों को समझाते हैं कि आप एक कतारबद्ध में आएंगे, आप ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे जिससे समाज को, आसपास के लोगों को ठेस पहुंचे, उनको हानि हो। जिस बैच में साइकिल चोरी हुई उस बैच के बच्चे काफ़ी उग्र थे, जैसे आप अभी उग्र हो, आप में उग्रता दिख रही है, लेकिन इन पर किसी का भी ध्यान नहीं जाने वाला है। आज चोरी हो गई, लोग यही कहते हैं अच्छा चलिए कोई बात नहीं है, साइकिल नहीं थी। अरे कब तक चोरी होती रहेगी? अगर समाज के लोग अपनी मानसिकता बदल लें तो फिर चोरी, अपराध, छिनतई सब कुछ बदल जाएगा। लोग यही ना सोचते हैं अच्छा चलो ठीक है मेरा नहीं हुआ है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं, आपका भी होगा बेटा। आप जो समाज में रह रहे हैं और कहते हैं मेरा नहीं हुआ है, हुआ उनका ना है, वो सोचें अपना। यही मानसिकता हमको और हमारे समाज को पीछे ढकेल रही है। हमारे समाज की तस्वीर नहीं बदल पा रही है। क्यों? क्योंकि हम लोग सोच नहीं बदल पा रहे हैं। थोड़ा सा आप लोग ज़रूर ध्यान देंगे इसको, और एक बार और रिव्यू करके हम दिखा देते हैं, कैमरा आप लोग देख लें, और फिर पता लगाने का प्रयास करेंगे। आप सभी लोगों से, समाज के लोगों से मेरा नम्र निवेदन है, हाथ जोड़कर नम्र निवेदन है कि ऐसे भी कहीं भी गिरोह दिखे साइकिल चोरों की, बाइक चोरों की, कृपया आप सूचित करें, आप आंख बंद न करें। आप आंख बंद करते हैं इससे आम बच्चों को, गरीब बच्चों को, जो बच्चे फी नहीं दे पाते हैं हम शिक्षकों को, वे परेशानी में पड़ जाते हैं। हम लोग तो फ्री में पढ़ा देते हैं, लेकिन हम ही लोगों को कहीं दूसरे जगह जाने पर कुछ नहीं मिल पाता है फ्री में। इसलिए आपसे नम्र निवेदन है यार, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग। एक बार और वीडियो देख लीजिए, रिव्यू कर दो बाबू। दिख रहा है आप लोगों को? देखिए आया हुआ है बंदा, ये बंदा है आया हुआ है। मैं जूमिंग भी कर लेता हूँ इसको, और यहाँ है, थोड़ा सा आप लोग देखेंगे। और ये देखिए कैसे साइकिल उठाएगा और लेकर जाएगा। देखिए एक बार और मैं प्लेबैक करता हूँ। ये आ रहा है, और देखिए आप, ये आ रहा, यहाँ से आने के बाद दो बार चार बार पीछे देखा है, आगे देखा है, और साइकिल लेके चला गया। देखने पर पता चला कि काफ़ी देर से इधर बगल में एक पेड़ है, वहाँ बेंच लगा रहता है, वहाँ काफ़ी देर से टहला है, बैठा है, लेकिन वहाँ के लोगों से पूछने पर पता चल रहा है ना हम लोग नहीं जानते हैं, ऐसे कर दिए। उनको क्या कीमत समझ में आएगी उन बच्चों की, जो बच्चे जैसे तैसे करके पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन हमारा समाज उनको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है ना। हौसले तो उनमें बहुत हैं, बहुत कुछ करने को उनका जी चाहता है, लेकिन समाज कहीं ना कहीं उनको पीछे खींच रहा है। क्या करेगा वो बच्चा जो आगे नहीं बढ़ पाएगा, तो फिर ऐसे ही कामों को अंजाम देगा ना। थोड़ा सा आपसे रिक्वेस्ट है, बाकी जय हिंद जय भारत।